जीवन ऐसा जिया जाए कि जिस दिन इस दुनिया में से जाएं, उस दिन दुश्मन की आंख में भी एक तपका आंसू का गिरे, एक तपका आंसू दुश्मन की आंख में भी गिरे, ये आदमी बहुत बढ़िया था यार। विशेषकर मैं राजपूत समाज के मेरे भाई यहाँ जो भी बैठे उनसे निवेदन करता हूँ, गुज्जर भाइयों से सीखो, अरे गोठिया बन जाओ। अरे इसकर मेरे राजपूत समाज के लोग जगदम्बा के ज्यादा भगत रहे, लेकिन वो भगत ही क्या करते, बोतल खोलते और उसमें से जगदम्बा से दारू का छाटा लगा के दीवार की तरफ ऐसे लगाते हैं, फिर यहाँ लगाते हैं और ऐसा लगता है इससे बड़ा सबसे बड़ी जो समस्या है वो पीने के पानी की है। ये पीने का पानी आज से 20-25 साल पहले हमारे इस काटली नदी के अंदर एक फिट का खड्डा हम खोद लेते थे मई जून में, जेठ बैसाख के महीने में तो पानी आ जाता था एक फिट, और आज 1000 फीट तक पानी नहीं मिल रहा। इसका मतलब है कि जो 20-25 साल में ये हालत होगी तो आने वाले 20-25 साल बाद में हमें पानी नसीब ही नहीं होगा, ये गांव हमारे खाली होने की नौबत आ जाएगी। जब गरीब आदमी टैंकर से पानी डलाता है, पशुओं के लिए भी भैंस से पानी पीती है, वो भी पैसे से पानी पीती है, तो गरीब आदमी कैसे गांव में रह सकता है। तो इसके लिए माँ भवानी जगदम्बा के आशीर्वाद से, देवनारायण भगवान के आशीर्वाद से, सभी 36 करोड़ देवी देवताओं के आशीर्वाद से मैंने इस उदयपुर वाटी की जनता के लिए 1 करोड़ 2 करोड़ नहीं 850 करोड़ रुपए पानी के लेके आया। और मैं बताना चाह रहा हूँ 100 साल बाद में यहाँ बैठे उनमें से एक भी आदमी धरती पर नहीं रहेगा, आज जो बच्चा पैदा हुआ वो भी 100 साल बाद में नहीं रहेगा, कोई 10 साल में चला जाएगा, कोई 20 साल में चला जाएगा, लेकिन मेरी डाली हुई पानी की पाइपलाइन 100 वर्ष बाद में भी काम करेगी। ये हिमालय का गंगा का पानी, हिमालय का पानी इस उदयपुर वाटी की एक एक ढाणी के अंदर एक गांव में हर घर में पहुंचाने का हम काम करेंगे। देखिए इस दुनिया में आना जाना लगा रहता है, जन्म मरण एक सतत प्रक्रिया है, जो जन्मा है वो मरेगा, जो मरा है वो निश्चित रूप से जन्मेगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, पीछे मुड़ के देखते हैं तो 20 साल पहले 25 साल पहले कॉलेज में से निकले थे और ये मिनटों में टाइम निकल गया, पता ही नहीं चला जिंदगी कब खत्म हो जाए, कोई पता नहीं चलता। दुनिया में सभी लोग आते हैं, सभी लोग जाते हैं, मैं तो आपसे एक ही बात बताना चाह रहा हूँ, जीवन ऐसा जिया, मैं तो आपसे एक ही बात बताना चाह रहा हूँ, जीवन ऐसा जिया जाए कि जिस दिन इस दुनिया में से जाएं, उस दिन दुश्मन की आंख में भी एक तपका आंसू का गिरे, एक तपका आंसू दुश्मन की आंख में भी गिरे, ये आदमी बहुत बढ़िया था यार। दुश्मन की आंख में से भी एक तपका आंसू का पड़े कि ये आदमी बढ़िया था, और नहीं तो सांस निकलने से। 50 साल पहले कोई भी हॉस्पिटल नहीं था, डॉक्टर नहीं थे, सारे लोग उसके उस जमाने में भी झाड़ू से, मंत्रों से, छोटी छोटी चीजों से लोगों के इलाज हो जाते थे। और आज भी एक कोरोना जैसी महामारी आई तो इसमें डॉक्टर भी हजारों की संख्या में मर गए, डॉक्टर मर गए हजारों की संख्या के अंदर। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, हमारे धर्म के अंदर ऐसे ऐसे मंत्र, मंत्रों की ऐसी ऐसी शक्ति है, ऐसे मंत्र जिनका यदि उच्चारण कर लिया जाए, एक छोटा सा मंत्र है, रोग आने से शान पहंची तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान विष्टान तु अमार चितान विपन नारायणाम तु अमार चिता हासरेदा पर्यांति, यदि इस मंत्र का उच्चारण किया जाए तो उस घर के अंदर बीमारी आ ही नहीं सकती, उस घर में रोग आ ही नहीं सकता। जिस घर में कमजोरी आ जाए उसमें सृष्टि स्थिति विनाशानाम शक्ति भूति सनातने गुणाश्रय गुणमय नारायण नमस्ते, इस मंत्र का यदि जाप किया जाए तो उस घर में कभी कमजोरी नहीं आ सकती। जिस घर में यदि आपत्ति आ जाए तो शरणागत दिनाथ दिनाथ परित्राय प्राणे सर्व से हरे देवी नारायण नमस्ते, इस मंत्र का यदि जाप कर ले तो उस घर में कभी आपत्ति नहीं आ सकती। जिस घर के अंदर
जिस आदमी के सारे रास्ते बंद हो जाएं और निकलने का एक रास्ता भी नहीं बचे, तो जयंती मंगला गाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सर्वदा नमस्तुते, यदि इन मंत्रों के, लेकिन हम लोग इन चीजों से हट गए। हम लोग दूसरी चीज में माँ भवानी जगदम्बा को याद करते हैं। मेरे विशेषकर मेरे राजपूत सांसपूत समाज के लोग जगदम्बा के ज्यादा भगत हैं, लेकिन वो भगत ही क्या करते, बोतल खोलते हैं और उसमें से जगदम्बा से दारू का छाटा लगा के दीवार की तरफ ऐसे लगाते हैं, फिर यहाँ लगाते हैं और ऐसा लगता है इससे बड़ा जगदम्बा का भगत कोई नहीं। बोतल खोल कर जगदम्बा की तरफ एक छाटा देखे, अरे जगदम्बा ने कब कह दिया मुझे दारू पिलाओ, फिर उसके बाद में वो छाटा इस चीज का देते कि जगदम्बा अब तू जा, तू चली जा और अब बैरू जी को आने दे यहाँ। और उसके बाद तो मेरा तो आपसे विशेषकर ये जितने भी जिद एक बर्तन के अंदर एक मकान के अंदर या तो सुगंध रहेगी या दुर्गंध रहेगी, या तो घर में या तो शांति रहेगी या फिर उस घर के अंदर कलेश रहेगा। अच्छी चीज आने के बाद, घर में अच्छी आत्मा आने के बाद, अच्छी शक्ति आने के बाद, पॉजिटिव ऊर्जा आने के बाद उस घर में से खराब चीजें अपने आप दूर चली जाती है, और जिस घर में खराब चीज आ जाती है उस घर में से अच्छी चीज अपने आप चली जाती है। तो मैं विशेषकर मैं राजपूत समाज के मेरे भाई यहाँ जो भी बैठे उनसे निवेदन करता हूँ, गुर्जर भाइयों से सीखो, अरे गोठिया बन जाओ, अरे गोठिया बन जाओ। वो देवनाथ भगवान खड़ा फैसला करे, देवनाथ भगवान खड़ा फैसला, ये जो इसके नियम है गुरु जी खंडगोपी के बन, हाँ पर ऐ बोले गोठिया भी बन जाओ, अरे भुवानी अठो बात को करे अठे करा डखड़ खोल छाता देता रो पाया गोठिया मत बन सके। तो मेरा तो आप सबसे एक ही निवेदन है कि भक्ति के बिना शक्ति नहीं हो सकती, और आप सारे लोगों से ऐसे ऐसे आपको बताऊं, किसी आदमी के यदि संकट आ जाए और वो संकट मोचन भगवान हनुमान जी को याद करे और उसको सच्चे दिल से याद करे, तो उस आदमी का संकट उस पर रह ही नहीं सकता। अरे जिस हनुमान जी ने भगवान राम के संकट हार लिए, आपके संकट कहां छोड़ेगा। जिस मेघवाल ने रामदेव जी को याद कर लिया, जो कोई भी किसी ने सच्चे मन से बाबा रामदेव रूणिचा वाले को याद कर लिया, उसकी कोई परेशानी उसके घर में रह ही नहीं सकती। तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि हमने आप सब लोगों ने शानदार मंदिर का शानदार आयोजन किया, भंडारा किया, और इसके लिए मैं तो आपको एक ही बात बताना चाह रहा हूँ, मेरा तो एक सपना है कि इस उदयपुर वाटी में पीने का पानी हर घर को मिल जाए। और आज जो 1000 फीट नीचे का हम पानी पी रहे हैं, ये पानी 1000 फीट का, इसमें फ्लोराइड है, तरह तरह की बीमारियां, हजारों साल से पानी नीचे पड़ा है, हजारों साल से स्टॉक है, उसमें पता नहीं कैसे कैसे तत्व आ गए, इसलिए हमारे शरीर में बीमारी आ रही है, हमारे बच्चों में बुजुर्गों में। तो मैं आपको एक विश्वास भगवान देवनारायण से यही आशीर्वाद मांग रहा हूँ कि इस उदयपुर वाटी की जनता यहाँ के हर घर में, हे देवनारायण भगवान मुझे वो ताकत देना, वो शक्ति देना, हे भैरू जी महाराज मुझे वो शक्ति देना जिससे मैं उदयपुर वाटी के हर परिवार के पीने के पानी की व्यवस्था कर सकूं, यहाँ के लोगों के साथ न्याय कर सकूं, यहाँ के लोगों को सुरक्षा दे सकूं, और यहाँ मैं मुझे जो जिम्मेदारी दी गई उसमें मैं पूरा उतर सकूं। धन्यवाद। जय हिंद। जय भारत।